गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सुजाता। तो आज मैं आपके लिए कोई भी किचन टिप्स नहीं लेके आई हूं दोस्तों। तो जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में, तो मैंने आज बाय करे हैं अपने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और ये जितने प्रोडक्ट हैं सारे मैंने अमेजोन से बाय करे हैं, खुद के पैसों से बाय करे हैं, जिसमें मैंने अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें बाय करी हैं, घर से रिलेटेड चीज़ें बाय करी हैं। बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट्स हैं और इनके बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये प्रोडक्ट बाय करे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने अपने किचन के लिए बाय करे हैं। तो सबसे पहला बॉक्स ये है दोस्तों, और इन सब के जो भी प्राइस होंगे वो मैं बगल में स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो पहला बॉक्स ये है, तो इसको ओपन करते हैं। ओपन मैंने करे हुए हैं, बट ये मैंने अभी इस तरीके से पैक करे हुए थे कि मैंने कहा मैं आपके साथ हॉल वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पैक होके आ रखे हैं, एकदम थिक वाला इनका कार्डबोर्ड है। इसमें मैंने बाय करे हैं दोस्तों कप सेट, ये सिंपल कप है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कप है। ये देखिए इस तरीके के, इसमें नीचे इस तरीके का मतलब बेस बना हुआ है और बहुत ही सुंदर ये कप है। ये कप मेरा लेने का मतलब मेन रीजन ये था कि हमारे घर में ब्लैक टी बहुत पी जाती है, और इस टाइप के कप में अगर आप ब्लैक टी पियो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, डिजाइन पैटर्न भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा। ये देखिए जैसे ब्लैक टी हम लोग ज्यादा पीते हैं तो उसके हिसाब से कैपेसिटी बहुत अच्छी है। नॉर्मल चाय भी आप ले सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट कप मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और ये 6 का सेट है दोस्तों, 3 मैंने निकाले हैं, 3 इसी के अंदर है। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और पैकिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये ब्रेकेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो आप डेफिनेटली ये कप लेना चाहते हो तो इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। देन मैंने बाय करा है दोस्तों ये एलिफेंट, ये मतलब डेकोर के पर्पज से बहुत अच्छा है, और ये मुझे काफी अच्छे प्राइस में अमेजोन में मिल गया था। ये वुड का है, ये वुड का बना हुआ, तो ये ब्रेकेज नहीं होगा ना टूटेगा और कुछ भी नहीं। और एलिफेंट बहुत अच्छा माना जाता है, सुम माना जाता है घर में, और ये हमारे घर के लिए समृद्धि लेके आता है जिसकी ऐसी उठी हुई सुंड होती है। तो इसे कई बार आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, और बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, और बहुत ही अच्छा इसमें काम हो रखा है। तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो देन आते हैं हम इस पेटी की तरफ। ये पेटी में भी एक बहुत ही अच्छा पिटारा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये है एक डस्टबिन दोस्तों, इस तरीके का डस्टबिन है, साइड रख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा डस्टबिन है दोस्तों, ये नाइसा ब्रांड का है। ये आप इसमें क्योंकि मतलब ये मैंने पर्सनली इसलिए लिया है कि जो हमारे यहाँ वो आते हैं ना कचरे वाले अंकल, वो बोलते हैं सूखा और गीला कूड़ा आपको हमेशा अलग डालना चाहिए, तो हम भी सूखा और गीला कूड़ा सेपरेट करते थे, बट हमें दो दो बकेट लेनी होती थी। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके दो साइज मिलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज, तो मेरा स्मॉल साइज का है। तो इस तरीके से जब आप इसे प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये दोनों बकेट्स अलग हो जाती है इस तरीके से, सूखे एंड गीले कूड़े की। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी भी है, ये देखिए मैं आपको इसकी कैपेसिटी बता देती हूँ। देखिए ये देखिए इस तरीके का है, और काफ़ी मतलब जो इसका प्लास्टिक है नाइसा का वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी ब्रांड है, ये प्लास्टिक के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये मैंने लिया है। बहुत ही मतलब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि नॉर्मल डस्टबिन मेरी जो किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर रहे थे। तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है एक पेटी में, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो देन इसमें ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमारे ये क्या निकलता है। तो इसमें मैंने ली है दोस्तों ये कास्ट आयरन की कढ़ाई, और कास्ट आयरन में खाना पकाना बहुत ही अच्छा मतलब होता है, हमारे हमारी बॉडी को आयरन देता है, और ये इस तरीके की कास्ट आयरन की कढ़ाई है, और इसमें मिनिमम 3 से 4 लोगों तक की सब्जी आप बना सकते हो। और मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, तो इस तरीके के इसके हैंडल हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, नीचे से पूरी लॉक हो रखी है, और मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वाली कास्ट आयरन की कढ़ाई। तो अगर आप कोई अच्छी सी कास्ट आयरन की कढ़ाई ढूंढ रहे हैं तो इसके साथ जा सकते हैं। तो देन ओपन करते हैं ये वाला पिटारा। इसमें मैंने बाय करी थी कुछ चीज़ें, यस इसमें भी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेकेज हो। तो इसमें मैंने एक बाय करी है वॉल क्लॉक, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, है। ये बाहर से वुड है ब्राउन कलर का, अंदर से गोल्डन कलर का है, ये वुड वाला पैटर्न इन्होंने दिया गया है इसमें, और ये होम सेंटर भी है, ये देख सकते हैं। और ये मैंने अभी तक ओपन नहीं करी थी, ये देख सकते हैं आप इसमें भी लॉक है, जब इसको हम ओपन करेंगे देन उसके बाद ही ये गत्ता इसका। बहुत ही सुंदर मतलब वॉच है, इसका
प्राइस मुझे बताइए, मैंने 700 के लिए, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, काफी बड़ी वॉच है तो आपकी वॉल में बहुत अच्छी लगने वाली है। मुझे थोड़ा सा डिसेंट सी चाहिए थी, सिंपल एंड सोबर वाली वॉच, तो इसीलिए मैं इसके साथ देखी। एंड मैंने बाय करा है ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर। अक्सर जब हम जो भी एक्सटेंशन होता है वो बाहर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, काफी जो वो प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज लगता है। तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये एक्सटेंशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बॉक्स लिया है। इसके अंदर इस तरीके की आपको स्ट्रिप मिलेगी जिससे आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, ये वाला है। और इसके साथ आपको ये चार ये इस तरीके के स्ट्रिप मिलेंगे, ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, बट अच्छा वाला प्लास्टिक है, ये ब्लैक कलर में है, लिया मैंने, इसमें दूसरा कलर ऑप्शन भी था। एंड जो इसकी लिड है वो बैम्बो की लिड है, तो इससे इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा निखर के आया है, उभर के आया। और साइड से आपको ये इस तरीके के दिखेंगे कि एक साइड से आप जो वायर है और एक साइड से एक्सटेंशन के वायर डाल सकते हैं। तो कोई से भी टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये गिर गया नीचे। देन मैंने बाय करा है एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मतलब इंडक्शन में भी काम कर सके एंड गैस स्टोव के गैस पे भी काम कर सके। तो मैंने यहाँ पे ये बोरोसिल का फ्राई पैन लिया है, जो बहुत ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसका बॉटम है वो ट्राई प्लाई का है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बॉटम है, इससे जो हीट होती है वो पूरी इवनली स्प्रेड होती है। और इसकी काफ़ी अच्छी हैवी वेट का ये है, हैंडल भी इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये देखिए बहुत ही अच्छा हैंडल है। और इसके साथ आपको इसकी एक लिड भी मिल जाती है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 1.5 लीटर तक का इसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं, दूध को बॉईल कर सकते हो। और इसकी जो लिड है वो भी स्टील की है दोस्तों, मैं कुछ ऐसा चाह रही थी कि स्टील का ही हो। इसमें मिरर वाली लिड वाले भी मैंने देखे, बट वो उसमें रिव्यू में देखा मैंने वो ब्रेक हो चुके हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसमें इस तरीके के 3 होल भी हैं, ये देख सकते हैं। तो जो ये वाला फ्राई पैन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एकदम थिक एंड हैवी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये चलने वाला है, ये बोरोसिल ब्रांड का है। इन सभी के जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो देन मैंने बाय करी उसके साथ एक कढ़ाई, ये भी मुझे स्टेनलेस स्टील की चाहिए थी, ये मैंने विनोद ब्रांड की बाय करी है, 25 सेंटीमीटर है। और मतलब विनोद ब्रांड मैंने बहुत अच्छी देखी है, जिसके अच्छे रिव्यू थे, और मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने भी मुझे सजेस्ट करा कि आप विनोद ब्रांड की लीजिए, उसके बहुत अच्छे रिव्यू हैं, उनकी हॉल वीडियोस देख के ही मैंने ये बाय करी है। तो ये है विनोद ब्रांड की, और ये भी ट्राइप्लाई की है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेनलेस स्टील की मैंने ली है और काफ़ी अच्छी मटीरियल की है, ये देख सकते हैं बैक से इसका बॉटम काफ़ी अच्छा एंड थिक है। और इसमें आराम से आपको 4-5 लोगों की सब्जी इजीली बन जाएगी, आप इससे बड़ा साइज चाहते हैं तो वो भी आपको साइज अवेलेबल मिल जाएगा। देन ये है इसकी लिड, मैं स्टील की लिड लेने का मेरा एक ही रीज़न था कि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो ज़्यादातर कभी हटा के देख लेते हैं तो कभी मुझे ब्रेक होने का चांसेस लगता है। और ये मैंने ली है विनोद ब्रांड की कढ़ाई, इसको लेने का मेरा एक ही रीज़न था कि मुझे इंडक्शन बेस भी चाहिए था जो गैस दोनों पे काम कर सके, इसलिए मैंने इसको बाय करा है। और इसका 60 मंथ का वारंटी आपको मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने बाय करा है दोस्तों ये प्रेस्टीज ब्रांड का प्रेशर कुकर, जो 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, और इसको मैंने अभी ओपन नहीं करा है, तो आपके सामने भी मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये इसका लिड है, लिड से ही शुरुआत करते हैं। लिड आपको स्टील का लिड इसका मिलेगा, तो जो बहुत अच्छी बात है, ये देख सकते हैं आप। एंड देन ये इसका बॉटम है, और इस टाइप के प्रेशर कुकर काफ़ी अच्छे होते हैं आप बिरयानी पुलाव वगैरह बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए, इसमें जो राइस होता है ना वो खिले खिले बनते हैं अगर आप इस चौड़े टाइप के प्रेशर कुकर को यूज़ करते हो। बैक से आपको वो इंडक्शन बेस मिल जाएगा इसमें। प्रेस्टीज आपको बताया बहुत ही अच्छी ब्रांड है, तो मैंने लिया है प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर। तो आई होप दोस्तों आज का ये हॉल वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आएगा, तो करना क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।